एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध रूप से बेची जा रही 340 क्विंटल धान जब्त की है। एसडीएम प्रेमलता मंडावी का कहना है कि धान परिवहन के आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने और मंडी के दस्तावेज में काटछाट करने के चलते कार्रवाई की गई है और मामले की जांच जारी है। वहीं मामले में व्यापारियों ने कहा है कि धान को जब्त करना गलत है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए साप्ताहिक बाजारों में गल्ला खरीदी बंद की है, जिसके चलते छोटे किसान परेशान हैं। आज एसडीएम से मिलकर व्यापारियों ने अपनी परेशानी रखी। व्यापारियों ने बताया है कि सरकार ने गल्ला का परिवहन और खरीदी नीति इतनी कड़ी की है कि व्यापार करना मुश्किल हो गया है। देखो स्टाफ नहीं है और वहाँ से लाने में गाड़ियों का अफसर एसडीएम तहसीलदार पुलिस द्वारा रोका जा रहा है और कागज होते हुए भी मतलब तकलीफ आ रही है। समितियों द्वारा जो मतलब हमको बाहर मतलब निकासी के लिए जो अनुज्ञा पत्र देते हैं वो अनुज्ञा पत्र कटने के बाद भी गाड़ियों को मतलब थाने में ले जाके खड़ी कर देते हैं और उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरा जो अवक पर्ची कटनी चाहिए, जो माल हम बाहर से कहीं से भी खरीद के लाते हैं, यदि उस बीच में हमको अवक पर्ची नहीं रहेगी तो हमारा माल जब्त कर लेगा। बाजार में लाइसेंसधारी और बिना लाइसेंसधारी द्वारा धान खरीदी किया जा रहा था, उनका लाइसेंस वगैरह चेक किया गया, लाइसेंस लाइसेंसधारी के द्वारा दिखाया नहीं गया और मंडी का जो मंडी आवक जो कटा हुआ था उसमें काफी काट छाट था, जिसकी वजह से जब्ती बनाया गया। कुल जो धान है वो 340 क्विंटल की जब्ती की गई। खबर अंतागढ़ से है जहाँ पर स्कूल